कार्कोलिट्स, ये कार्निवली ईस्ट में है और ये बिरयानी के स्पेशलिस्ट है। लखनवी चिकन सीख कबाब। अच्छा 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 है, क्योंकि सीख हर कोई सही नहीं बना सकता। ठीक है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बोल सकता हूँ बकवास ऐसा वर्ड। उस्तादी हैदराबादी, उस्तादी अंगूरी, अफगानी, ऐसा नाम दे दे के पब्लिक को उल्लू बनाने का काम चल रहा है। नायर हॉस्पिटल की जय हो। 500-600 रुपए का खाना खाया ऐसा लग रहा है। सलीम भाई वो बोलते हैं ना जन्नत, लेकिन वो अफगान का सिर्फ नाम है सर जी, वो खामा का ये नाम रखना ही नहीं चाहिए था। नहीं वही बोलता हूँ, उस्तादी अंगूरी अफगानी ऐसा नाम दे दे के पब्लिक को उल्लू बनाने का काम चल रहा है। नाम बना के हमको बेवकूफ बना, खाइए आप देखिए आपको पता चलेगा, क्योंकि खाली इन्होंने जो है टिक्का डाल दिया है। टिक्का खाओगे तो लगेगा कि बिरयानी खा रहे हैं, वरना वो भी नहीं, वो भी बिरयानी भी क्या, मुझे लगता चावल राइस और आप चिकन खा रहे हो। जय हो। कमाल है। नायर हॉस्पिटल की जय हो। बॉम्बे सेंट्रल। मतलब हॉस्पिटल का दर्दी जो खाता है खाना वैसा लगा उनको। मतलब पेशेंट का खाना है। बिल्कुल फीका है। हाँ तो हो सकता है पेशेंट के लिए बिरयानी बनाया हो इन्होंने। नहीं नहीं, हो सकता है इनकी रेसिपी ही वैसी हो कुछ। नहीं तो फिर ये भी बिरयानी वैसी होनी चाहिए थी। वेज बात में भी दम है, तो वेज बिरयानी में अलग है, बिरयानी का टेस्ट है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, रायता के साथ एक बार खा के देखना शायद। नहीं लेकिन उसका मतलब रायता अच्छा होगा ना फिर। हाँ रायता अच्छा है। रायते को भी मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। हाँ हम लोग क्या पहले गेस्ट को टेस्ट करवाते ताकि जो ना हो रायता। रायता अच्छा है भाई, बहुत अच्छा रायता। तो अब इनका तो ऐसा लगता है इनके होटल में जाकर रायता ही पीना चाहिए। रोटी बना मंगाई जाए, दो रोटी लाओ और रायता लाओ। रायता और ग्रीन चटनी मंगाओ और निकलो। रायता अच्छा बना है, क्योंकि रायता हर कोई अच्छा बनाता नहीं, ये अच्छा बना है। वही सलीम भाई दर्शकों को बताना है कि 2,945 रुपीस देने के बाद मुझे आज खाने में सेटिस्फेक्शन नहीं। हमको तो 500-600 रुपए का खाना खाया ऐसा लग रहा है। वैसा ही लग रहा है, 3,000 वाला खाना नहीं है। टेस्ट तो नहीं है, जरा भी नहीं है। ये तो वही हालत हो गई है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, वैसे ही नीचे दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। सही बात है, यही ऐसा ही हो गया। सलीम भाई आपने सब कुछ चेक कर लिया लेकिन मेन चीज आप भूल गए। बताइए। नॉर्थ इंडियन अवधी बिरयानी। लेकिन है तो वही सर, एक ही जगह का है, पता नहीं क्या है, क्या किया है शायद कुछ। चलो देखते हैं इसको, देखते हैं क्या इन्होंने कलाकारी की है इसमें। कलाकारी की। देखें भाई अवध का नाम खराब किया कि अवध एक्सप्रेस सुना है मैंने। अवध की बिरयानी में मैंने भी पहली बार, लखनवी लोग कहते ठीक है लेकिन अवध इन्होंने नाम रखा है तो हो सकता है कोई कलाकारी हो भाई। हाँ शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल करिए। हाँ 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 रिस्क तो नहीं है कोई? नहीं। सलीम भाई टिपिकल मतलब के जो मतलब आप धर्म बाग और सड़क चाप ऐसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाके आप खाते ना। हाँ वो टेस्ट की बिरयानी भाई। क्या बात कर रहे हो सलीम भाई, इतनी बड़ी ऐसा इतने बड़े होटल वाली बिरयानी नहीं लग रही। बिरयानी जो मसाला मिला वला करके जो बना देते ना वैसा बनाया भाई। मतलब इनकी खाली पैकिंग ही अच्छी है। पैकिंग तो कमाल, पैकिंग पे दुनिया को लूट रहे हैं। देखता हूँ लेकिन थोड़ा मेहनत जो है फूड के टेस्ट में कर ले तो कमाल हो जाए। मैं भी देखता हूँ सलीम भाई, क्या मालूम आपको पसंद आ जाए। हाँ कोई भरोसा नहीं भाई। ये ऐसा लग रहा है ना चिकन किसी चीज में पकाया और नीचे जल गया है। हाँ वो भी है। हाँ सर मैं तो बार बार एक ही चीज रहूंगा, मेरा 2,945 रुपया 45 रुपीज कैसे आएंगे वापस? मैं दर्शकों को भी चाहूंगा। नहीं आएंगे सर, आपकी गलती है। हाँ। कि आपको पता नहीं था और आपने यहाँ से मंगवा के खा लिया। क्या बात
सलीम भाई जी बोलिए। अब इस मौके पे कुछ दो लाइनें सुना दो। अबे मैं तो वहाँ से घर से निकला था कि चलो बुलावा आया हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से, हमारे मित्र की तरफ से बुलावा आया, तो मैंने कहा देखें यार चल के, मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया सच अंदर की बात बताऊँ, मैं बोला चल के एक साथ वहीं खाया जाए। मैं देता हूँ आप सबको ये पैगाम कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, लेकिन मुझे लग रहा है कि गलत नाम लिख दिया गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो पूरा मैंने जो सोचा है उस पर तो पानी फिर गया। ये अब गलती आपकी है या मिश्रा जी की गलती है या पता नहीं किसकी भाई। सर हमारे अतिथि देवो भव आज भूखे रह गए, ऐसा तो नहीं चलेगा। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको सर दुकान बंद करके वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। कुछ लोगों का होते वेजिटेरियन में हाथ अच्छा, हाँ। फिर भी नॉनवेज साइड पे चला देते हैं। एक ही और हो सकता है, एक ही कुक यहाँ पर कर रहा होगा और वो इस कुक वेज में जो है ना स्पेशलिस्ट होगा, इसलिए वेज बिरयानी। सर जिस मैं कह रहा ना फिर वही कह रहा हूँ कि बिरयानी का नाम जो है लिया जाता है नॉनवेज के साथ में, और इन्होंने उसमें कमाल कर दिया कि वेज के अंदर बिरयानी का स्वाद दे दिया, बाकी नॉनवेज में दोनों भी जीरो हो गया। ये सलीम भाई खाने के बाद ना मुझे शायर का नाम नहीं पता, तो चार लाइनें याद आ गई। बोलिए बोलिए। चले हैं कांच के टुकड़े मेहर का सामना करने, चले हैं कांच के टुकड़े मेहर का सामना करने, खुदा जाने ये क्या करते जो कोहे नूर हो जाते। अच्छा है, बढ़िया है। भाई मैंने तो खाने पे बोला था, समझे। मैं देता हूँ भैया आप सबको एक पैगाम कि मैं देता हूँ आप सबको ये पैगाम कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। क्या बात है, क्या बात है। एक मिनट संतोष भी, एक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया आपने दोनों ने बहुत अच्छी शेयर की है। शायर कवि और एक डाइनिंग टेबल। नहीं, डाइनिंग टेबल पे सर खाना होता है, बात सही। तो शायर कवि एक और सोफा, इस तरह का कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए तो कर सकते हैं। कि आप कविता, आप कविता के ऊपर, हाँ, पंक्तियों के ऊपर आप कह सकते हैं। हाँ। मैं शायरी के ऊपर मैं कुछ कह सकता हूँ, आप कविता और खिचड़ी खिचड़ी, हाँ, मतलब हाँ, कभी ये कभी वो, हाँ, हाँ, मिला जुला कर सकते हैं। ऐसा कोई है नहीं। इस बात पे हम लोग जो गुजरात की स्पेशल है खाने के बाद छास, जो खाना अजम करता है, हम लोग छास पियेंगे। चलो ये बात भी सही है, तो उसका भी टेस्ट करेंगे। हाँ देखेंगे भैया इसमें क्या किया इन्होंने। इसमें तो धनिया दिख रहा है भाई, धनिया तो है इसमें। सलीम भाई चलो लगाओ जाम, चीयर्स करें। हाँ ओपनिंग आपने ही करनी है, आपको ही करनी है, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो आप हमें सावधान कर सके। ये सही है, बहुत अच्छी है, जीरा का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। पी सकते हैं, पी सकते हो। मैं तो 10-15 ग्लास पी के इससे पेट भर लूंगा। अरे भाई ये तो ठीक है, बिरयानी भी आ गई, स्टार्टर भी आ गया, ये भी आ गया, भाई डेजर्ट में क्या है, कुछ मंगाया कि नहीं? चॉकलेट है सर, चॉकलेट का गोली मारा हो तो चूसने के लिए, बाद में बच्चों की है, बड़ी चीज आपको खिला और आप चॉकलेट में गिर रहे हो। ओ अरविंद भाई फिर भी लाओ, बढ़िया से फिरनी है, फिरनी है सर आपके। अरे वाह कमाल है भाई, कमाल है, बिना मीठे सर। ये दूध में बनता है, अच्छा समझे, दूध को पका करके जो है, राइस, हाँ, और ड्राई फ्रूट राइस मिला हुआ होता है, समझो खीर होती है ना, हाँ, खीर को ज्यादा पका दिया जाए तो क्या होगा? ओके, तो फिर नहीं हो गया मेरे, मैं अपने हिसाब से मैं ये कहूँगा। राइट राइट, हाँ, समझ गया। अब इसमें इसका भी स्वाद आना चाहिए, तो खाऊं? आप तो रिस्क सब मुझे लेने दे रहे हो भाई। हाँ भाई, क्योंकि जब वैक्सीन बनी थी तो सारा पहले साइंटिस्टों को ही लगाई गई, तो हम साइंटिस्ट हो गए। हाँ भाई तो सही है सर, सही है, नहीं मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। सनी भाई वो बोलते हैं ना जन्नत, हाँ। बहुत बढ़िया बना है ये तो मैं भी खा रहा हूँ, यार इतना देख के मुंह में पानी आ रहा है। बहुत चतुराई की है, मैंने ऊपर किशमिश रखी, खाइए, मतलब ये रबड़ी जैसा लग रहा है भाई, ऐसे होता है। राइस का और, पता ही नहीं चल रहा है। और चतुराई ये है कि सबसे ज्यादा मेहनत फिरनी पे की है, पूछिए क्यों? अगर इसमें कुछ बेवकूफी हो जाए, टेस्ट अच्छा नहीं लगे, तो फिरनी खा के आदमी सब भूल जाए। लेकिन ये बात सही है कि फिरनी में ही पेट भर लिया जाए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिरनी अच्छी, फिरनी अच्छी। तो सर
जैसे बोलते हैं खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, ये लास्ट है हमारा मीठा सलीम भाई। नहीं ये तो, ये तो सर ऐसे ही एक गिफ्ट है। चॉकलेट में नहीं खाता भाई, चॉकलेट नहीं खाता तो मैं खा लेता हूँ। पान जैसा है सर ये तो, चॉकलेट नहीं है भाई, पान चॉकलेट खाइए आप, चॉकलेट नहीं डाला होगा। चलो ठीक है, नहीं नहीं अंदर भरा हुआ भाई, क्या लग रहा है फिर तो कमाल चीज दी है। सबसे ज्यादा जो सलीम मैंने बोला ना, किसी पे भी मेहनत मत करो, स्वीट डिश पे मेहनत करो, आदमी सब भूल जाता है। लेकिन हम यहाँ भूलेंगे नहीं, नया चीज है बहुत अच्छा, हम भूलेंगे नहीं, दर्शकों को बताएंगे। हमने 2,945 रुपीज का बिल दिया है जो बिल्कुल सलीम भाई, हम डेजर्ट में थोड़ी देते हैं पैसे, रायता के पैसे थोड़ी देते हैं हम, तो मेन डिश जो होता है मेन कोर्स ही, मेन कोर्स उस पर देते हैं पैसे नहीं है। हम दर्शकों को कहना चाहेंगे जब भी आप खाना मंगाओ तो सोच के मंगाना इस होटल से। सलीम भाई अभी हम लोग आते हैं पोर्शन पे, हम लोगों ने जो ऑर्डर किया तो उसके ऊपर क्वांटिटी कौन कितना खाना खा सकते हैं प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए, कि ऑर्डर करने से पहले वो भी सोचे कि दो आदमी की खाना मंगाना है तो इना पे, और चार आदमी इसमें खा सकते कि नहीं खा सकते। एक डिश में जो है दो आदमी खा सकता है, दो आदमी खा सकते हैं, दो आदमी खा सकता है और सब। हाँ ठीक है, क्वांटिटी जो है हर चीज की जो है इनकी क्वांटिटी सही है, हाँ क्वांटिटी सही है। अब सलीम भाई हम आएंगे टेस्ट के ऊपर, जो आपको भाई आप कितना दोगे स्टार वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं तो एक ही स्टार दूंगा भाई, क्योंकि पेट भरा थोड़ी, हम तो मुखवास खा करके और डेजर्ट खा कर पेट भरा। संतोष भाई टेस्ट के बारे में बताओ। टेस्ट के बारे में देखो, कबाब बहुत टेस्टी था, फिरनी टेस्टी था, और सबसे लाजवाब टेस्ट था ये चॉकलेट में, जबकि मैं कभी खाता नहीं चॉकलेट, तो ये सब को देख के मैं 3 स्टार दूंगा भाई। टेस्ट को आप 3 स्टार दे रहे हैं, सलीम भाई 1 स्टार दे रहे हैं, बहुत डिफरेंट है सर। क्योंकि मैं तो ये 1 स्टार इसलिए दे रहा हूँ कि मैं तो मेन कोर्स पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मेन कोर्स भी बेकार है दोनों भी। ये सलीम भाई रेगुलर टेस्ट करते रहते हैं तो उनको ज्यादा पता है इसके बारे में, तो हम लोग ना 1 ना 3 बीच का रख सकते हैं सलीम भाई, अगर आप हमारे साथ मतलब 2 स्टार। हाँ 2 रख सकते, क्योंकि फिरनी वगैरह पे उन लोग ने जो है विन कर लिया, मेहनत की है। चलो टेस्ट पे हो गया 2 स्टार, अब आते हैं हम लोग सलीम भाई पैकेजिंग, जो माइंड ब्लोइंग रही, बहुत अच्छी रही पैकेजिंग। आप कितना स्टार देना चाहोगे? मैं 5 out of 5। क्या बात है, क्योंकि पैकेजिंग का ही शौक था, क्योंकि लोग पैक तो कर देते हैं लेकिन इन्होंने पैक करने के बाद हर उसके ऊपर बाकायदा नाम लिखा है इसके अंदर कौन सी डिश है। राइट, वो सबसे बड़ी बात है। ये कोई लिखता नहीं, होटल वाला लिखता नहीं, कोई नहीं लिखता बाकायदा, इसमें क्या है गलतफहमी नहीं होगी लोगों। राइट राइट, ये बहुत अच्छा है। तो टेस्ट हो गया, पैकेजिंग हो गया, डिलीवरी हमारे स्विगी से आया है, होम डिलीवरी जो हमारे होम डिलीवरी का नाम, वो टाइम पे आया है और 20 मिनट्स के अंदर ही हमारा खाना आ गया। तो सलीम भाई हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने टाइम निकाल के हमारे साथ आपने ये टाइम शेयर किया और हमारे दर्शकों को आज मौका मिला आपसे मिलने का, तो पूरी हमारी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ये और मुझे भी शुक्रिया अदा करने का मौका दीजिए, 100% सलीम भाई प्लीज बुलाया, और ये तो मेरा अपना टेस्ट था कि दर्शक ये ना सोचें, हो सकता भी इनको ये चीज़ अच्छी लगी ये ख़राब लगी, किसका ज़ुबान का टेस्ट क्या है मालूम नहीं, तो मैंने अपना टेस्ट बताया, कुछ ऐसा गलत हो गया तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं सर सर, तो देखा दोस्तों आपने हमारे सलीम भाई के विचार, हमारे शीतल भाई के विचार और हमारे अपने खुद के विचार, क्योंकि कोई चीज़ सलीम भाई को अच्छी लगी तो कोई चीज़ शीतल भाई को अच्छी लगी और कोई चीज़ हमें अच्छी लगी, तो ये हमें जो चीज़ लगी वो हमने आपको बताई। अब आपको क्या चीज़ कैसी लगती है वो आप हमें बताओ कमेंट के जरिए, सब्सक्राइब करते रहो और अपने प्यारे प्यारे और अच्छे बुरे जैसे कमेंट देने हैं, या अगर आप चाहते हो कि हम किसी होटल को और ट्राई करें तो आप हमें उसका नाम भी सजेस्ट करते हो तो हम उससे भी एक बार ट्राई करेंगे, लेकिन ये हमारा अपना स्वाद है, समझ गए। नमस्कार।